आज की वीडियो में आपको ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बारे में एक सैड न्यूज़ बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अभिषेक बच्चन के बारे में एक बहुत ही सैड न्यूज़ सामने आई है और वो सैड न्यूज़ ये है कि अभिषेक बच्चन का चेन्नई में अपनी फिल्म के सेट पर राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी सर्जरी के लिए उन्हें मुंबई वापस आना पड़ा। सर्जरी करवा कर अभिषेक वापस चेन्नई पहुंच गए हैं अपनी फिल्म की सेट पर। अभिषेक बच्चन ने ये न्यूज़ खुद अपने फैंस के साथ अपने इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर की। अभिषेक ने लिखा, हैड अ फ्रीक एक्सीडेंट इन चेन्नई ऑन द सेट ऑफ माई न्यू फिल्म लास्ट वेडनेसडे, फ्रैक्चर माई राइट हैंड, नीडेड सर्जरी टू फिक्स इट, सो अ क्विक ट्रिप टू बैक होम टू मुंबई, सर्जरी डन, ऑल पैचेज अप एंड कास्टेड, एंड नाउ बैक इन चेन्नई टू रिज्यूम वर्क। एज दे से द शो मस्ट गो ऑन एंड एज माई फादर सेड, मर्द को दर्द नहीं होता। ओके ओके ओके, इट हर्ट अ लिटल, थैंक यू फॉर ऑल योर विशेज एंड गेट वेल सून मैसेजेस। अभिषेक की इस पोस्ट पर उन्हें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज गेट वेल सून के कमेंट्स कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो विश अभिषेक अ स्पीडी रिकवरी। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि आजकल ऐश्वर्या की सेकेंड प्रेगनेंसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई हैं जिनमें उनका बेबी बम क्लियरली विजिबल था और उसी को देखते हुए फैंस ऐश्वर्या की सेकेंड प्रेगनेंसी की खूब चर्चा कर रहे हैं। आपको अभिषेक के हैंड फ्रैक्चर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।